मुकेश सहनी के रैली में। क्या है मुकेश से जान पहचान है आपको? मुकेश सहनी मेरा जात है, उसका जान पहचान मेरे हम है। जात पात से जो है देश का विकास होगा। हाँ, देश का विकास भी करेगा। तो बाकी लोग भी तो आरक्षण आप ही को मिल ही रहा है, फिर भी आप जात के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, उसका ही पीछे भागेगी। दूसरा आदमी बहुत मेहनत करवाते हैं, वो आदमी जीतेगा तो हमका विकास देगा। क्या गारंटी है उसका? क्या गारंटी है? तलावर देगा, जल भी देगा, इनार भी देगा, पोखरा भी खनवागा, सब तलावर भी देगा, मैंने जीता मछली डलवाएगा, निकालवाएगा, सहनी के सब लोग के मैंने किसे जितने के खाए के आधार मिले, जीर्णोद्धार होगा। हाँ, जीर्णोद्धार होगा, जिला पालन देगा, मुकेश सहनी पालन देगा। नहीं तो दूसरा सहनी जिएगा, जातो भी दूसरो आदमी जिएगा, मुकेश सहनी से सुजगत करेगा। था पटना से निशान राजस्थान सरकार की यात्रा लेकर पूरे बिहार में यूपी झारखंड में 101 दिन का यात्रा निकाले थे। उसके बाद हर घर संकल्प अभियान हमने निकाला और अभी हमने 14 जगह पे रैली करने का निर्णय लिया साथियों। अब ये रैली जो है निशान समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए है साथियों। ये संकल्प यात्रा है। अगर इस आजाद भारत में, अगर आप इस आजाद भारत में सब उठा के जीना चाहते हैं, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र दो काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अगर आपका अधिकार है तो उसके लिए लड़िए। जैसे कभी हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल संघर्ष किए तब जाके देश को आजादी मिला, तब आज हम आजाद भारत में सर उठा के जी रहे हैं। आजादी तो मिला लेकिन सही मायने में हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला। इसलिए साथियों आप गरीबी से आजादी दिलाना है। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के पेट से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद हमें एक संविधान बना के दिया। वो संविधान में ताकत दिया, वो क्या आपको वोट गिराने का ताकत दिया। और बाबा साहब ने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा वही राजा बनेगा। और वोट आपके पास है और राजा को यहां बांध रहा है साथियों। आज हमारी लड़ाई है कि जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार यूपी झारखंड में क्यों नहीं? जबकि देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश के संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? एक तो वो जो दिल्ली में बैठे हैं और हमारा काम नहीं कर रहा, और दूसरा गुनहगार कौन है? दूसरा गुनहगार आप और हम है कि अपने हक अधिकार के लिए हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ा साथी। हम लड़ाई करते, संघर्ष करते, आज निशान से बेटा को आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल गया होता आज निशान से बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आज आपके बच्चे मछली मारने पे मजबूर हैं।